बैक टू माई चैनल ब्यूटी पूजा ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं मैगी बनाने के साथ। सो आज मैं मेरी स्पेशल मैगी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे भाई को खानी है आज मैगी, तो उसके लिए आज मैं मैगी बना रही हूँ। तो अभी मैंने पहले प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैगी मसाला। तो मैगी मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इधर इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें का पानी डालेंगे। तो अभी सब कुछ हो चुका है, तो अभी मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ। मैगी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम मैगी खाने वाले हैं। तो चलिए फिर मैगी खाते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं मैगी, तो मुझे बताओ अभी मैगी कैसी हुई है। मैगी बहुत अच्छी बनी है, दीदी बहुत अच्छी मैगी बनाती है और दीदी ने ये एक नई रेसिपी ट्राई की है शायद से, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम मैंने तो ट्राई किया है और इससे पहले ऐसी मैगी मैंने कभी ट्राई नहीं की है। मैंने वो नॉर्मल मैगी जो होती है वैसी मैगी ट्राई की है, लेकिन भी ट्राई करना और आप भी बताना कि कैसी ये रेसिपी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे देख रही हूँ टीवी और ना बेबी इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, मेरा पूरा पेट हिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। वो इतना ज़्यादा अभी से बदमाशियाँ कर रहा है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, और जब मैं वीडियो बंद कर देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। तो अभी से इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ इसकी चल रही है। तो आज मम्मी ने बनाई है मेरी फेवरेट अंडा बिरयानी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है। तो मैं पहले अभी लंच करूँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आपको आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो वो कौन है वो तो आपको लंच के बाद पता चलेगा। तो पहले मैं लंच करती हूँ, उसके बाद फिर आपको उनसे मिलवाती हूँ। कि मैं आपको आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो मेरे मम्मी से तो आप लोग मिल ही चुके होंगे और मेरे भाई से भी आज मिले। तो अभी मैं आपको मेरे घर के तीन और मेंबर से मिलवाऊंगी। तो अभी मैं आपको फर्स्ट मेंबर से मिलवाती हूँ, प्रिंस। तो ये है हमारे घर का फर्स्ट मेंबर जिससे मुझे आपको मिलवाना था, तो इसका नाम है प्रिंस। ये है घर का सबसे लाडला बेटा और मम्मी का तो सबसे लाडला है ये। प्रिंस कौन है प्रिंस? तो यहाँ पे मम्मी ने ब्लैंकेट सूखने के लिए रखा है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। तो ये देखिए हमारे घर की सेकंड मेंबर, इसको ऐसे ही बैठने को अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी बाहर ऐसे नहीं बैठती है, बेड के नीचे, सोफे के नीचे। देखिए देखिए कैसे भागेगी अभी ये, इसको बिल्कुल भी ऐसा खुले में सोने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ये हर वक्त छुपती है सबसे, बहुत ही डरपोक है। अभी देखिए कैसे चेयर के पीछे जाके छुप गई है। इसका नाम है रूबी, बहुत ही शांत है, घर में बहुत ज़्यादा शांत रहती है ये। ये मेरी सबसे फेवरेट है और प्रिंस वो मम्मी डैडी का लाडला है। देखो ये इसका चेहरा देखो, कितनी ज़्यादा मासूम है ये। ये हमारे घर की थर्ड मेंबर, तो इसका नाम है डेजी। तो ये घर में बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करती है, सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ इसकी होती है। और ये प्रिंस और रूबी की बेटी है, बट ये इतनी ज़्यादा बदमाश है, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, कभी भी एक जगह पे नहीं बैठती है। देखिए अभी ये भाग गई। रूबी देखो इनकी मस्ती, देखो माँ बेटी की मस्ती चल रही है इधर। इसकी वजह से रूबी छुपती है, ये बिल्कुल भी रूबी को अच्छे से बैठने नहीं देती है। इसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही होता है।
ये देखो ये पापा की परी कैसी बैठी है, देखो पापा के साइड में बैठती है और मम्मी को जाके मारती है। वहाँ जाके अभी रूबी को मार रही है, देखो रूबी भाग के आई। ये बिल्कुल भी रूबी को अच्छे से बैठने ही नहीं देती है और पापा के साइड में जाके बैठती है। डिनर होने के बाद फिर हम गए टेरेस पे वॉक करने के लिए। तो मैं रोज़ आधा घंटा तो वॉक करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि रोज़ रात को आधा घंटा वॉक करना है। तो अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, तो बाय बाय।